राम लला का मंदिर मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो राजा राम जी के नाम से जाना जाता जी है ना, ये सब लोग जानते हैं इसको। सौभाग्य से हमें कुशवाहा जी मिले, अच्छे लाल जी, रामायण पे अथॉरिटी है ये, रामचरितमानस पे, और ये हमारा सौभाग्य कि इनके हम श्रीमुख से बहुत देखने में बहुत छोटे रखते हैं मगर बहुत ज्ञान ध्यान की बातें। और ये हमें देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब तक हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो भगवान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वनस्पति हो, उसको जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ से नहीं जोड़ेगा तब तक आदमी में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, इसको मानते हैं ना जी। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ रामलला है ही, राजा राम है, सब जानते हैं जी, सब पढ़ते हैं, मगर रामायण की कुछ वो चौपाइयाँ हमें बताएंगे आप जो जिससे जन कल्याण हो जी, जी और जिससे लोगों में भावना जगे, लोगों में आस्था पैदा हो राम के प्रति लेके। मैं आपके ये, मैं ये आपको पता है कि सारी दुनिया में जाते हैं दोस्तों, आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, श्री रामचरित मानस की वो चौपाइयाँ जो दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक जी मैं समझता हूँ तीनों सुखों के लिए रामबाण है जी, बिल्कुल, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। बिल्कुल, तो आप हमें अपने ये सपने श्री मुख से आप बताएंगे और इसको हम सारा ये देखिए सारी दुनिया में जाएंगे। आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मोटिवेट हो लोग देख के कि एक ऐसा प्लेस जिसको राजा राम के रूप में पूजा जाता है, यहाँ राजा राजा ही के रूप में पूजा होती है, राम जी भगवान के रूप में नहीं होती, राजा राम के ऊपर सलामी लगती है, सलामी होती है यहाँ। रामचंद्र रामलला का क्या मतलब, क्यों यहाँ हमें जैसे इतनी यात्री आते हैं, क्या मतलब, क्या विशेषता है यहाँ पे, ये दो शब्दों में, ताकि आज से करीब 400 वर्ष पूर्व जी ओरछा राजधानी थी जी, तो यहाँ के जो राजा थे जी, राजा मधुकर शाह जी, उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेश थी जी, राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और रानी कुंवर गणेश जो है राम भक्त थे, राम भक्त, तो इनमें एक चलते रहे थोड़ा सा फोटो भी आ जाएगी मंदिर के, इनमें माने आपसी में थोड़ा ये था, उनको कहते थे कि आप वृंदावन चलो जी, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे जी, और वो कहती थी कि नहीं अयोध्या जी चलो। अच्छा, जब इन्होंने आपसी थोड़ा प्रेम का ही विवाद था जी, और चला तो उन्होंने कहा कि अरे तुम इतनी भक्त हो राम की जी, तो फिर राम लला को यहाँ साथ साथ लेके आओ तब जाने तुम्हें। अच्छा, तो इनको बात उनकी लग गई और वो ये चली गई। हाँ, तो अयोध्या जी गई तो इन्होंने बहुत वहाँ आर्जु मिनट की तपस्या की और जो है इन्हें लगा कि रामलला शायद मिल नहीं रहे, तो सरयू में अपने ये प्राण देने को गई और वहाँ सरयू में प्राण देने गई कि उन्होंने कोशिश की तो सरयू में से ये रामलला मिल गए और उनको लेकर के उनकी कुछ शर्तें थी, ऐसी आपने खास तौर पर तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कुछ शर्तें थी, उन शर्तों को मानते हुए रामलला उनके साथ यहाँ साधु संतों के साथ यहाँ आए, छोटी शर्तें थी, मैं पोख नक्षत्र में ही केवल भ्रमण भ्रमण करूंगा, बाकी समय विश्राम करूंगा, साधु संतों की मंडली के साथ जाऊंगा और जहां जाऊंगा वहां मैं ही राजा रहूंगा, दूसरा राजा नहीं रहेगा, और जहां मुझे बैठा दोगे वहीं रह जाऊंगा, ये शर्तें उनकी थी इनके साथ। रामलला के रूप में ना होकर राजा राम के रूप में, हाँ, तो उन्होंने कहा मैं ही राजा रहूंगा, यही शर्त मंजूर थी, तो यह शर्त तो उनको, तो यहाँ जो उनके पति राजा थे तब उनकी शर्त के अनुसार जो है मधुकर शाह जी ने अपनी अपनी नगरी टीकमगढ़, अच्छा, यहाँ से जो और अच्छा, आप सब लोग यहाँ पे सब ये सत्संग करते हैं, हम लोग शाम को रोज सत्संग करते हैं, सब राम में, हम तो हमारी तो एक ही तमन्ना है कि सब राम में बने, राम ब्रह्म परमात्मा रूपा, दिल से तमन्ना है जो हो रहा है गले कट रहे हुए, मगर राम में बने से बच्चों के लिए आपकी क्या सीख है, बच्चों की ये सारी ये बच्चों के लिए तो है कि बच्चे हमारे अगर इस संस्कार में ढले तो इसको पा पाएंगे, अन्यथा आज की व्यवस्था चाहे पढ़ाई की हो पूरी की पूरी टोटली पूरी विसंगति क्यों चली गई है, क्योंकि हम धर्म के रास्ते से भगवान राम को मानते हैं और हमारा विज्ञान जो विज्ञान के रास्ते से हमें जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल उल्टा पढ़ाया, जो शिक्षा प्रदान की है
वो शिक्षा प्रदान की है कि भय कुमार जब ही सब भराता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब भगवान 5 वर्ष की अवस्था के हुए तब उनके माता पिताजी ने गुरु जी के पास ले जा करके और जनेऊ संस्कार करवाया। अच्छा। इसके बाद में गुरु ग्रह पढ़न गयो रघराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अपने आप विद्या भगवान के पास आ गई। तो प्रात काल उठके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आयस मांग करही पुरकाजा और देख चरत हर्षय मन राजा। यानी के जो रामचरित मानस को पढ़ता है वो बच्चा स्वतः ही माँ बाप का जो है आज्ञाकारी बन जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार पैदा करें, संस्कार रामचरित मानस को आधार से सकते हैं। और राम जी ने जो आप राम जी बच्चों के लिए कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं कि बच्चों मंत्र जब बिल्कुल विद्या में उनकी अच्छी तरक्की, कोई कोई भी बच्चा यदि इस मंत्र को रोज 11 बार या 21 बार या 108 बार जपता है गुरु ग्रह, हाँ। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अच्छा। ये इस चौपाई को यदि कोई भी बच्चा, ये प्रमाणित बात है, हाँ। यदि रोज इसका मनन करे, रोज इसका पाठ करे, हाँ। तो वो अपने स्कूल तो क्या ऐसे ऐसे और भी आप बता सकते हैं, जैसे व्यापार के लिए आदमी चाहता है। देखिए आज के जमाने में हर आदमी स्वार्थी है, जी जी, भगवान का नाम भी स्वार्थ मानते हैं चीज को। बिल्कुल। ऐसी क्या चीज है कि भगवान के नाम में कोई ऐसे कोई ऐसे चीज मिले कि जो व्यापार वाले बढ़े, वे हर आदमी को पैसे की दरकार है आजकल। जी बिल्कुल। तो ऐसे कोई ऐसे रामायण की चौपाई आपकी समझ में आती है? जी बिल्कुल है। क्या बताऊंगा, विश्वहरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। यदि इस चौपाई का कोई भी बालक जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट यदि होता है, हाँ, और यदि वो किसी नौकरी के तलाश में जाता है, या जी हाँ, यदि किसी बिजनेस के लिए कोई काम करता है, तो इस चौपाई को यदि रोज वो नित्य पाठ करेगा, 108 बार जाप करेगा, कोर्ट कचहरी वाला अगर कोई होता है, जैसे कोर्ट कचहरी में जी है तो कोई केस चल रहा है, उसके लिए है जाके सुमरण तेल पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। यदि इस चौपाई को कोई भी जो है जाप करता है और वो सच्चे मन से कि मैं अपने शत्रु का नाश नहीं करना चाहता, वो हमारे मित्र बन जाए और समाप्त हो जाए, हमारा जो आपस में झगड़ा है उसको समाप्त हो जाए, हाँ। तो ये चौपाई बड़े जल्दी काम करेगी। एक और बहुत काम की चीज, हर आदमी परेशान है, दुनिया से तो परेशान है, घर वालों से परेशान है, घर वाली से परेशान है, बीवी पति से परेशान है, बीवी सास से परेशान है, लड़की सास लड़की से परेशान है। इसके लिए क्या करें, सास भी करे, बहू भी करे, बच्चा भी करे, मियाँ भी करे, बीवी भी करे, कम से कम घर में ये अराजकता नहीं हो, घर में कम से कम ऐसा वातावरण बने कि घर में लगे कि एक शांतपूर्ण वातावरण बनाए, एक दिव्य वातावरण बना हुआ है। क्या इसके लिए आपका सीता राम चरण रति मोरे, विवाह हुआ है बेटे आपका, शादी, हाँ, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह। यदि इस चौपाई को रोज यदि घर में सभी लोग जाप करें तो पारिवारिक में क्लेश मिट जाएंगे और एक प्रेम की अनुभूति शुरू हो जाएगी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह। अच्छा, हनुमान जी से मैंने देखा कि राम लला के उसमें हनुमान जी का कहीं से कहीं नहीं आ रहा, ना कहीं हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, ना कहीं हनुमान जी का, जबकि आपको पता है कि राम हनुमान जी के बिना सब कहते हैं कि आधे अधूरे हैं, जी जी, मानते नहीं मानेंगे चीज को। बिल्कुल। तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख सरावे। अच्छा। यदि राम जी को पाना है तो हनुमान जी को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु सहारा तो जी जी रसी तो वही है। हाँ, हनुमान जी जो है वो साक्षात भोलेनाथ है। अच्छा जी। अच्छा, साक्षात हनुमान जी भोलेनाथ है। और भोलेनाथ ने क्या किया, सुई पूछन चाहे सैन कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से इस कथा को जिद करके पूछा, क्या रामचरितमानस को। अच्छा। और रामचरितमानस को जो है भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया। पार्वती जी को क्यों सुनाया, क्योंकि ये संसार भर में यदि कोई भी चीज की प्राप्ति यदि आपको करना है, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो राजा बनना हो आपको, किसी भी चीज, इस संसार को किसी भी चीज को, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो राजनीति हो, सब हाथी के पास में सबका पैर ऐसे। हाँ, जी जी, सब चीज हो। तो राजनीति जैसे कही जाए कि जास राज की प्रजा दुखारी, ते निर्भ नरक अवसद पाई। अच्छा, जिस राजा की प्रजा, अच्छा, यहाँ एक बात, इसको राजनीति में जाने की दरकार है, वो ये मंत्र का जाप करे, इस मंत्र का जाप करे। दूसरी बात क्या है, फिर से बोल दीजिए, जास राज की प्रजा दुखारी, ते निर्भ नरक अवसद पाई। जो राजा बनने के बाद यदि राजा प्रजा की देखभाल नहीं करता है तो वो नरक का भागी बनेगा। और राजा बनता कैसे है,
धर्मेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि हम सभी को एक सच्चा मार्ग बताए, जैसे नशा ना करूं, सबसे शुद्ध बोलूं, सबसे अच्छा बोलूं, संस्कारी बने, संस्कारी बने। अच्छा, एक चौपाई हम आपको बताते हैं जी, कि दैहिक दैविक भौतिक आपा और राम राज नहीं काहू व्यापा, ये इसका एक सिद्धांत है। हमारे राम राजा सरकार यहाँ बैठी है, जबकि कहा गया है कि राम राज में किसी प्रकार का कोई कलेश दुख नहीं होता, लेकिन क्यों होता है? उसका कारण है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम राम जी के उस चरित्र को भूल गए कि राम जी ने बालपन में क्या किया, राम जी ने जवानी में क्या किया, और राम जी ने प्रजा की खातर अपनी पत्नी तक का त्याग किया। और यदि पत्नी को पाना हुआ तो रावण को मारा। यदि एक पति की भांति अगर देखा जाए तो पत्नी के लिए राम जी ने क्या नहीं किया, पत्नी के लिए, लेकिन जब प्रजा की बात आई तो पत्नी को त्याग कर दिया प्रजा के लिए। दोनों के लिए किया ना, अपने परिवार के लिए भी किया, हाँ, और प्रजा के लिए भी, किया। तो क्यों एक, जब लोग कहते हैं कि भाई राम जी ऐसे कैसे, राम जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, एक लाचन लगा दे, तो वो अब राम जी अपनी पत्नी के पति नहीं रहे, वो राजा हो गए। तो राजा बनने के बाद यदि तुम्हें परिवार को भी, पत्नी को भी, बच्चों को भी, सबको छोड़ना पड़े, इसलिए कहा है कि जास राज की प्रजा दुखारी और ते नर्क नरक अवस्था है। तो राम जी ने सिखलाया है, राम जी ने बताया है, आनंद आया आपकी बात। इसलिए ओरछा धाम में हमारे राम राजा सरकार विराजमान है, हम तो अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे जो राम जी राजा राम के ही रूप में जाने जाते हैं, देखिए यहाँ राम लला बोलते हैं, राजा राम, हमने ऐसा अनुभव किया है, हमने एक पुस्तक भी लिखी है श्री राम गीता के नाम से। अच्छा जी, आपका परिचय आप देंगे? वैसे तो हमारा नाम अच्छीलाल कुशवाहा है, लेकिन अब संतों ने हमारा दूसरा एक नाम दे दिया है। तो यहाँ पे रहने के बाद हमें एक ऐसा लगा कि एक राम जी की एक कुछ बात होनी चाहिए। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ कि इतना, देखिए जितना कि हम सुन के आए थे है ना, एक वो तो अलग है, राम की छवि एक अलग है, मंदिर की छवि अलग है, मतलब ये कि हमने कल्पना लेके आता है ना, वो कल्पना साकार नहीं हुई। जी बिल्कुल, वो कल्पना साकार नहीं हुई। आप क्या मन में आके जैसे एक होती है ना, एक आप संतुष्टि होती है, धर्म स्तर की संतुष्टि होती है, वो जैसे आके लगता है ना कि लगे, उसमें कहीं कमी लगी। अच्छा अच्छा, कहीं कमी लगी। वो मैं राम की, मैं उसी बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बाहर आती है वातावरण मिलता है, कविता दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं वो उसका क्या कारण, हमने वो आपको थोड़ा सा जहर किया है, आपने समझा हो जी, कि दैहिक दैविक भौतिक आपा और राम राज नहीं काहू व्यापा। आप जैसे हमारी उमर 40 वर्ष की, आप छोटे हैं अभी तो, ठीक है ना, 40 वर्ष की उम्र है, लगभग 20 साल से हम रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। रामचरितमानस में हमने देखा कि राम जी ने कहा है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और दुज सज्जन, बोले वचन भगत भाव भंजन, सुनो सकल पुरजन मम वाणी, कहो ना कछु ममता और आनी, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम सुल्प अंत दुखदाई। आज लोग इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं, कहीं किसी नशा में फंसे हुए हैं, संस्कार नहीं, कहीं किसी में फंसे हुए, बच्चों में संस्कार, रामचरितमानस को पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चों में संस्कार नहीं है, रामचरितमानस को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा रामचरितमानस पढ़ेगा तो वो कहीं बाबा ना बन जाए, संत ना बन जाए, जबकि ऐसा कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो रामचरितमानस में जहाँ आती है शादी विवाह की बात आती है तो वो भी खुलेआम राम जी ने किया है, सिस्टम से किया। तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ रामचरितमानस का विशेष रूप से जो है प्रचलन नहीं है, विशेष रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राम जी ने कहा है, अपने मुखारविंद से कहा है, आप आ जाइए, ठीक है। हाँ नहीं, वो तो देखो ये सब एक्चुअली सब मतलब हम लोग जी दिली भावना से, और राम जी ने आज अब हमारा साकार हो गया कि आपने दिल की बात बता रहे, नहीं तो हमें नहीं मिला। राम जी ने एक बात कही है बहुत अच्छी, अपने मुखारविंद से उत्तराखंड में जी, कि बड़े भाग मानस पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये जो भाई सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविकता अर्थ क्या है?
कि बड़े भाग से हमें मानव जीवन मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की परिभाषा क्या है? एक काम करते हैं।